सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, वीडियो के प्रीव्यू में आपने जो रील देखी, उस टाइप की रील वीडियो अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। जो भी इस तरह की रील वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर रहा है, उनकी रील वीडियो वायरल हो रही है। तो आज के इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि उस टाइप की रील एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, इस टाइप की रील वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन सिक्योर VPN, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड सेकंड एप्लीकेशन कैपकट एप्लीकेशन, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके ज्वाइन भी कर लेना टेलीग्राम चैनल को एंड कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लेना। करने के बाद में फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले सिक्योर VPN को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करना है, तो ही कैपकट एप्लीकेशन काम करेगा। तो कनेक्ट कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के बाद में आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ न्यू प्रोजेक्ट, इस पर टैप करना है। सो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको अपनी गैलरी में से अपनी एक वीडियो सिलेक्ट करनी है, जिसके ऊपर आपको इस टाइप की रील एडिटिंग करनी है। तो आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। देन नीचे की तरफ आपको क्रिएट वीडियो, इस पर टैप करना है। तो हमारा वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो ये वाला वीडियो है, तो आप भी ऐड करना। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने वीडियो पर टैप करना है। एंड नीचे की तरफ आपको वॉल्यूम वाले बटन पर टैप करके इसकी वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है। सो ये करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर ऑडियो को ऐड करना है। तो ऑडियो को ऐड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे ऐड ऑडियो लिखा हुआ है, तो सिंपली टैप करना है इसको पर। देन एक्सटर्नल वाले बटन पर आपको टैप करना है। सो गाइस, यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको अपनी गैलरी में से उस वाली रील वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसमें ये ऑडियो हो, तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे की तरफ एक्सपोर्ट साउंड ओनली, इस वाले बटन पर टैप करना है। तो रील में से साउंड कन्वर्ट होके ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करना है, अगर छोटी है तो आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग अपने साउंड को स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो है, तो हम नीचे की तरफ स्प्लिट वाले बटन पर टैप करके साउंड को स्प्लिट कर देंगे। देन इस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है, टैप करने इसको पर एंड डिलीट वाले बटन पर टैप करके इसको डिलीट कर देना। सो गाइस, डिलीट करने के बाद में आपको इसके अंदर एक काम करना है, आपको अपने वीडियो के अंदर एक स्प्लिट ऐड करना है। तो स्प्लिट ऐड करने के लिए सिंपली आपको अपने ऑडियो पर टैप करना है। सो गाइस, ऑडियो पर टैप करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो हमारा ऑडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे इसका ग्राफ यहाँ तक, इसका ग्राफ नीचे, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ग्राफ नीचे एंड यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा ग्राफ। तो सिंपली हमारी बीट यहाँ पे ही आएगी, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो को पॉज करना है, देन अपने वाले वीडियो पर टैप करके नीचे स्प्लिट वाले बटन पर टैप करना है, तो आपका वीडियो स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये कर लेना, ओके। सो गाइस, होने के बाद में आपको इसके अंदर एक ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना है, जैसे कि आपने वीडियो के प्रीव्यू में देखा होगा रील वीडियो को। तो वो करने के लिए आपको नीचे की तरफ इफेक्ट पे टैप करना है, देन यहाँ पे आपको वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है। सो यहाँ पे आपके सामने कई सारे इफेक्ट ओपन हो जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ इनको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लाइट इफेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ डर्मी ग्लो, इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना, ओके। तो ये वाला इफेक्ट है, इसको सिलेक्ट करना। सो गाइस, सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ राइट वाले बटन पर टैप करना होगा एंड नीचे की तरफ आपको एडजस्ट वाले बटन पर टैप करके आपको इसकी ग्लो ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको इसको इंक्रीज करना है, कम करना चाहते हो तो आपको इसको डिस इंक्रीज कर देना है। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा कर इसको 50 के अकॉर्डिंग रख लेंगे एंड आपको इसकी रेंज को देख लेना कितनी करनी है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको रखना है एंड हम इसको रख लेते हैं 60 के अकॉर्डिंग, ओके। देन आपको नीचे की तरफ राइट वाले बटन पर टैप करना है एंड आपको इस इफेक्ट को फुल कर देना है जहाँ तक आपका वीडियो, ओके। तो ये करना, ये होने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर जो हमारा ये वीडियो है फर्स्ट वाला ये भाग, इसके अंदर आपको हालो ब्लर इफेक्ट ऐड करना है, ओके। तो वो करने के लिए आपको नीचे की तरफ इफेक्ट पे टैप करना है, देन वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है। सो गाइस, टैप करने के बाद में यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस वाले बटन पर टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको हालो ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर की तरफ आपको राइट वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको इसकी लेंथ को पकड़ के बड़ा करना है जहाँ तक आपने ये स्प्लिट लगाया था वीडियो के अंदर।
यहाँ तक आपको इसको कर लेना है। एंड आपको हलो ब्लर वाले इफेक्ट पे टैप करके नीचे एडजस्ट पे टैप करना है। एंड आपको इसकी जो इंटेंसिटी है इसको 100 करना है, एंड जो स्पीड है इसकी इसको आपको 0 कर देना है। ओके, तो ये करना। सो गाइस, ये होने के बाद में आपको नेक्स्ट काम करना है, आपको अपने ये जो वीडियो सेकंड वाला इसके अंदर आपको एक शेक इफेक्ट ऐड करना है। तो वो करने के लिए आपको वीडियो पे टैप करना है सेकंड वाले पे, देन एनिमेशन वाले बटन पे टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ इन वाले को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रॉक हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इस वाले को आपको सिलेक्ट कर लेना है, देख लो एक बार। एंड आपको इसकी ये ड्यूरेशन है तो आपको इसको करनी है 1 सेकेंड। ओके, तो आपको इसको करना 1 सेकेंड। 1 सेकेंड करने के बाद में आपको नीचे राइट वाले बटन पर टैपना है, तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स। सो गाइस, ये होने के बाद में यहाँ पे हमारी रील वीडियो बनकर रेडी हो जाती है। तो एक बार हम वीडियो को चेक लेते हैं हमारी वीडियो कैसी बनी है। बट उससे पहले फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए एक बार हम वीडियो को चेक लेते हैं वीडियो कैसी बनी है। सो गाइस, हमारी वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुकी है जैसे कि अभी आपने देखा होगा। तो आपको वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर की तरफ डाउनलोड वाले एरो पे टैपना है, देन नीचे की तरफ आपको सेव टू डिवाइस इस वाले बटन पर आपको टैपना है। तो आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगा।